दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है टाटा अल्ट्रोज ईवी, जो कि एक अपकमिंग कार है, इलेक्ट्रॉनिक कार है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम गाड़ी के बॉडी टाइप की, तो बॉडी टाइप हैचबैक है। अब बात करें ट्रांसमिशन टाइप की, तो ट्रांसमिशन टाइप आपको ऑटोमेटिक दिया जाता है। यह एक 5 सीटर कार है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी है। अब बात करें फ्यूल टाइप की, तो इसमें ना ही डीजल और ना ही पेट्रोल है। 2022 में जो है पूरी इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है। साथ ही दोस्तों, इसमें मैं बता दूँ कि जो है इसमें जो पावर है वो 13 kW का इसमें पावर होने वाला है, और इसकी जो बैटरी है 216 AH की बैटरी होने वाली है। दोस्तों, टाटा अल्ट्रोज ईवी की जो सबसे ख़राब बात मुझे लगी, मतलब इसमें ज़्यादातर एक समस्या देखने को मिलेगी कि इसमें जो है फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होता इसमें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी होती। अगर दोस्तों अब बात करें हम इसके टॉप स्पीड की, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड पकड़ सकती है, तो इसकी टॉप स्पीड रहेगी 100, मतलब 100 से ज़्यादा ये नहीं भाग पाएगी। तो आप इसे डेली ऑफिस जाने के लिए ले सकते हो। और दोस्तों, इसके इलेक्ट्रॉनिक का जो माइलेज है, मैं आपको माइलेज बता देता हूँ कि इसको है 250 से 300 किलोमीटर का जो है माइलेज होता है। मतलब इसे एक बार चार्ज करने पर ये 250 से 300 किलोमीटर चली जा सकती है। इसीलिए आप इसे लॉन्ग ड्राइव या बड़ी फिर कई लंबी दूरी के लिए नहीं यूज़ कर सकते। इसे खाली ऑफिस जाने के लिए या फिर छोटे मोटे कामों के लिए काम में ले जा सकता है। तो दोस्तों, गाड़ियों की ऐसी नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल ढाका क्रिएशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो आती है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।